मिक्सचर के क्वेश्चन जब आते हैं ना, सैंपल ऑफ, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर ना किसी ने पानी डाल दिया तो अब वो मिक्सचर हो गया। तब देखा भी होगा, वो डिपार्टमेंट वाले चेकिंग करते हैं कि इसमें कितनी वो इम्प्योरिटी है, अखबार में आता भी है छापे मारे और ये इम्प्योरिटी निकली। तो बेसिकली क्या होता है, वो ना सैंपल ले जाते हैं, सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग से वो बता देंगे कि कितने परसेंटेज इसमें पानी है मिल्क में। कैसे? उनकी मशीन ऐसे काम करती है, वो एक सैंपल लेके गए जिसमें डेंसिटी आई 1032, मिल्क और वाटर दोनों की। प्योर मिल्क की डेंसिटी उनको पता होती है 1080 होती है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आनी चाहिए, जो ठीक मिल्क है 1080। पानी की डेंसिटी 1000 होती है। तो मिक्सचर की डेंसिटी ले गए, वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज पानी है उस मिल्क में। एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा मिक्सचर में, मिक्सचर की जो डेंसिटी है इज टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मान लो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर तो वी है, इसमें छोटा वी वाटर है और बाकी इसमें मिल्क है, तो मास ऑफ मिल्क क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इनटू डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क प्योर मिल्क की डेंसिटी तो गिवन ही है क्वेश्चन में, और वाटर के लिए वाटर की डेंसिटी पता है हमें और वाटर का वॉल्यूम पता है, और टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी है। मिक्सचर की डेंसिटी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके स्मॉल वी और कैपिटल वी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 60% आ जाएगी आंसर, 60% पानी है इस मिक्सचर में। तो उनकी मशीन्स क्या करती हैं, मशीन में ये फॉर्मूला लगा रखा होता है, तो ये तो फिजिक्स है, लेकिन कंप्यूटर वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्मूले में वो मशीन के अंदर ये फॉर्मूला डाल देते हैं, वो सैंपल डालते हैं मशीन के ऊपर, डिस्प्ले होते हैं 30% पानी है कि नहीं। ये लो, कुछ नहीं करना, टोटल मिक्सचर की डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, खत्म। ठीक, ये आर्कमिडीज की प्रॉब्लम है, ये कर सकते हैं। पीस ऑफ आयरन वेज 400 ग्राम फोर्स इन वाटर, ये लोहे का पीस 400 ग्राम फोर्स वाटर में वे करता है, इसका मतलब ये इसका एक्चुअल वेट तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी में है ना, क्योंकि अब गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन पता है, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना सिंपल है। तो मुझे क्या आता है, अब ये तैरने का प्रिंसिपल तो लगेगा नहीं, लोहा तैरता तो है नहीं, तो क्या लगेगा, लॉस इन वेट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। डब्ल्यू टू मुझे पता है 400 980, 400 ग्राम फोर्स है, 980 से मल्टीप्लाई करके डाइन्स, और एक्चुअल वेट मुझे पता नहीं, चलो एक्चुअल वेट में मास मान लो आयरन का एम है इंटू 980, एक्चुअल मास वेट आ गया, पानी में वेट आ गया। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में जितना लोहे का वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम है, सेम है, क्योंकि पूरा पूरा लोहा डूब गया पानी में, तो लोहे का और पानी का वॉल्यूम सेम है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब इस केस में वॉल्यूम क्योंकि पानी का और लोहे का सेम है, तो लोहे का वॉल्यूम निकालना आसान है, क्यों, मास ऑफ लोहा अपॉन डेंसिटी ऑफ लोहा, लोहा का डेंसिटी गिवन है। तो कई लोग कह रहे थे कि ये वॉल्यूम तो वाटर का होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, वाटर का और लोहे का वॉल्यूम इस केस में सेम ही तो है। तो लोहे का वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि लोहे की डेंसिटी पता है, और यहां से सॉल्व करके एम आ जाएगा, मास ऑफ आयरन आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी आंसर। फिर गोल गोल घुमा दिया था इसने, डेफिनेशन वही है, पर क्या मिसिंग वैल्यू है, ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, जो आपको होमवर्क दिया ना मैंने उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करके आएंगे वो पता लगेगा कि आप फंस कहां रहे हैं। ठीक है, यहां तक। एक्सेलरेटेड फ्रेम हमने लास्ट टाइम कर लिया था कि अगर पानी भरा पड़ा है इसमें और एक्सेलेरेशन है इस फ्रेम की, तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी, एल लेंथ है और एच डिस्टेंस है, तो आपको ये बताना है कि पी बी माइनस पी ए क्या है। पी बी माइनस पी ए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन में गिवन होगा। तो जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, आप एक काम करो, एक बार इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में एक बार वर्टिकल में लगा लो। हॉरिजॉन्टल में पी सी माइनस पी ए इज एच की जगह एल इंटू रो इंटू जी की जगह ए, और पी सी की वैल्यू आ गई। और एक वर्टिकल में लगाओ, पी बी माइनस पी सी इज एच रो जी, तो यहां से पी सी की पूरी वैल्यू यहां पे पुट कर दें, सॉल्व करें और पी बी माइनस पी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसी ऑप्शन गिवन होगी, जिसको याद नहीं कर सकते इतना याद कर सकते हैं, एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में और एक इक्वेशन वर्टिकल में, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, एक ना ट्यूब है, ट्यूब में एक किस्म का पानी है, एक ही पानी है, तो सेम हाइट पे होना चाहिए, पर किसी ने इस ट्यूब को एक्सेलरेट करवा दिया, सूडो फोर्स लगी, पानी को प्रेशर जो है फोर्स पीछे की तरफ लगी, पानी पीछे ज्यादा उठ गया, आगे कम है, तो जब तक ये एक्सेलरेट करता जाएगा पानी के लेवल में फर्क है, एक्सेलरेशन जीरो कर दोगे पानी का लेवल सेम हो जाएगा, तो एक्सेलरेट कर रहा है ये, तो आपको बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन है कि सच दैट एक ट्यूब में हाइट h1 है और दूसरी में h2 है और ये l है, ये क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या, इस क्वेश्चन में
सबसे पहले ये बताओ कि वन पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, जो लोएस्ट पॉइंट वन है, पानी का प्रेशर क्या होगा H1 रो जी और एटमोस्फेरिक का P एटमोस्फेरिक। टू पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा H2 रो जी और एटमोस्फेरिक प्रेशर P एटमोस्फेरिक। कर लिया। अब एक काम करो, वन और टू में वन का प्रेशर टू से ज्यादा होगा क्योंकि एक्सलरेट कर रहा है, ये एक्सलेशन की वजह से पीछे ज्यादा फोर्सेज है और आगे कम है, तो वन का प्रेशर टू से ज्यादा है, तो इसलिए P1 माइनस P2 हॉरिजॉन्टल में लगाओ L रो A, हॉरिजॉन्टल में H रो G की जगह L रो A। P1 पता है, P2 पता है, P1 पूरे का पूरा यहां, P2 पूरे का पूरा यहां, पुट करो, P एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके एक्सलेशन की वैल्यू ऑप्शन मार्क करना, ऑब्जेक्टिव में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आता। ये समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे करना है? कुछ ना समझ में आए तो एक हॉरिजॉन्टल लगा लो और एक वर्टिकल लगा लो, प्रेशर डिफरेंस अपने आप आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में और एक इक्वेशन वर्टिकल में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पूरा प्रेशर ले लिया ना? नहीं भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो कट ही जाना है उसमें। ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया? नोट, इसके अंदर ये हमने कर लिया, किसी भी मिक्सचर की जो डेंसिटी होती है वो V1 रो 1 V2 रो 2 यानी कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होती है। ये मिल्क वाला क्वेश्चन सेम था तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अगला प्रॉब्लम भी सेम है, अगर टू लिक्विड का मासेस सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास एम प्लस एम दोनों लिक्विड्स का और वॉल्यूम है एम बाय रो 1 एम बाय रो 2। आंसर ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट, ये वाला पेंडुलम वाला, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो इसे, ये आखिरी एग्जाम्पल है आज का हमारे लेक्चर का और ये बहुत बार यूज होता है, कहीं कहीं भी यूज हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो प्लीज़।